बैक टू माय चैनल। आज हम डिजाइनर बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने ये जो कपड़ा लिया है वो 2 मीटर्स है और मैंने यहाँ पे सिल्क का कपड़ा लिया है और एक कॉटन का लाइनिंग ले लिया है वो भी 2 मीटर्स है। और मैं बैक में जिप लगाने वाली हूँ इसलिए मैंने ये इनविजिबल जिप ली है। तो चलिए हम पहले इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर फोर फोल्ड करके अस्तर रख लिया है। हमारे जो फ्रॉक का अपर पार्ट है वो है 9.5 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो मैंने ये 10.5 इंच का कट किया है। तो हमारा जो शोल्डर का मार्किंग आएगा वो है 4.5 इंच। इसी तरीके से हम यहाँ से आर्म होल भी 4.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारा जो चेस्ट का माप है वो 5.5 इंच है और मैं यहाँ पर 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करने वाली हूँ और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ से मैं आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी। नीचे की तरफ कमर के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैं गले की मार्किंग 2.5 इंच पे करूँगी। यहाँ से 2 इंच पे मार्किंग करूँगी। यहाँ से 2.5 इंच पे हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे एक हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अब मैं यहाँ से इसे पूरे में कट कर लूँगी। मैंने इसे यहाँ से कट कर लिया है। अब हम इसी तरीके से इसे सिल्क के अस्तर पर कट कर लेंगे और हमारा जो नेट का कपड़ा है उस पर कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सैटिन के कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हम नीचे का घेर काटेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ से 4.5 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। आप अपने कमर के हिसाब से ये मेजरमेंट ले सकते हैं। इसके बाद मैंने जो ऊपर लिया था 9.5 इंच उसे छोड़ते हुए मैं यहाँ पे 26.5 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। मैं इसे अपने नेट के कपड़े से 1 इंच कम कट करने वाली हूँ। तो मेरा नेट का कपड़ा है वो 27.5 इंच का है तो उससे 1 इंच कम मैं यहाँ पे 26.5 इंच पे इसे पूरे में मार्किंग कर लूँगी। मैंने इसे पूरे में मार्किंग कर ली है। अब मैं इसे कट करूँगी। मैंने इसे कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर अपने लाइनिंग के कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है। मैं इसे ए लाइन कट करने वाली हूँ। तो मैं पहले अपने अपर पार्ट को यहाँ पे प्लेस करूँगी और यहाँ से इसे मार्क कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें हाइट मेजरमेंट लूँगी। ऊपर की तरफ हम 9.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 25.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। जो हमारा सैटिन का मार्किंग था वो मैंने 26.5 इंच पे किया था, उससे हम 1 इंच इसे कम रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से इसे हल्का से एक कर्व शेप दे देंगे। अब हम इस मार्किंग को यहाँ से जॉइन कर लेंगे। अब मैं इसे कट कर लूँगी। हमने इसे कट कर लिया है। अब हम अपने नेट के कपड़े को कट करेंगे। अब हम अपने मेन कपड़े की कटिंग करने वाले हैं। तो मैंने इसे डबल फोल्ड करके ऐसे रख लिया है। हम ऊपर की तरफ 9.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे नीचे अपने लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। हमारे वैसे तो फुल लेंथ 27 इंच है, उसमें हम 3 इंच स्विंग अलाउंसेस डालेंगे क्योंकि मैं नीचे की तरफ 2 इंच का फोल्ड करने वाली हूँ और 1/2 इंच हमारा कमर में जाएगा। आप अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो इसके बाद हम यहाँ से इसे दोनों को बीच में से यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे पूरे में कट कर लेंगे। मैं यहाँ से चून बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों कपड़े को कट कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। मैंने यहाँ पे अपने अपर वाले पार्ट को प्लेस कर लिया है। मैंने नेट के ऊपर पहले कॉटन का अस्तर रखा है, उसके ऊपर मैंने अपना सिल्क का अस्तर रखा हुआ है। अब हम इसे यहाँ से ऐसे गले में सिलाई कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ हम इसे पल्टी करने वाले हैं। मैंने इसे यहाँ से पूरे में सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे हल्के हल्के नॉचेस लगाए हैं। इसके बाद हम इसे पल्टी कर लेंगे। मैंने इसे पल्टी कर लिया है। यहाँ से मैं इसे पूरे में सिलाई लगा लूँगी। हमारा फ्रंट वाला पार्ट बना के हो चुका है। अब हम अपने बैक वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। तो मैं पहले इसे अस्तर और अपने सैटन के कपड़े को पूरा जॉइन कर लूँगी, तीनों कपड़ों को। उसके बाद हम इसमें ज़िप लगाएंगे। मैंने यहाँ पर ज़िप अटैच कर लिया है। मैंने पहले अम्ब्रेला गाउन में ज़िप लगाने का तरीका बता दिया है।
अगर आपको देखना है तो मैं उसकी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं ये जिप आसानी से कैसे लगानी है। यहाँ पे पट्टी लगाने वाले हैं तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी कट कर ली है। मैं इसे फोल्ड करते हुए पहले ये जिप के एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा जिप को कट कर लूँगी दोनों तरफ, उसके बाद हम इसमें पट्टी लगाएंगे। मैं इसे इस तरीके से रखते हुए पहले यहाँ पे 1 दाब की सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद मैं इसे इस तरीके से पहले मैं इस पे 1 दाब की सिलाई लगाऊंगी। अब इसे इस तरीके से अंदर फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ पे अपनी पट्टी लगा ली है। इसी तरीके से मैं इस वाले साइड भी पट्टी लगा लूँगी और हम दोनों आर्म होल में भी हाथ सिलाई की पट्टी लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे पट्टी लगा ली है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे अपने दोनों पार्ट्स को रखते हुए हम इसे सीधे पे सीधा रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का सिलाई दे देंगे। हम इसमें शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे दोनों 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हुए। मैंने यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हम नीचे का घेर बनाने वाले हैं। अब हम यहाँ से एक चुनट बनाने के लिए इसमें 4 नंबर की सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें प्लेट्स भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो मैं पहले यहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी। हम यहाँ से एक धागा पकड़ते हुए ये चून को बना लेंगे जो हमारे अपर पार्ट की कमर है उसके हिसाब से। इसी तरीके से हम अपने दूसरे वाले पार्ट में भी चून बना लेंगे। हमने इसमें चून बना लिया है। अब हम इसे अपने बाकी दोनों अस्तर में ऐसे जॉइन कर देंगे। यहाँ से हम ऊपर की तरफ 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे कमर में। मैंने यहाँ पे तीनों कपड़ों को ज्वाइन करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें इसे अपने कमर के पार्ट पे ज्वाइन करेंगे। तो मैं इसे ऐसे सीधे पे सीधा रखते हुए यहाँ से पिन से अटैच कर लूँगी। और यहाँ से मैं 1/2 इंच की इसे सिलाई लगा दूँगी। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है कमर में। इसी तरीके से हम अपना बैक वाला पार्ट भी बना लेंगे। मैंने दोनों तरफ घेर को अटैच कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ फोल्ड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से पिन से अटैच कर लिया है। यहाँ पे मैं 2 इंच का फोल्ड करने वाली हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था। आप अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं। और नीचे की तरफ मैं पीको कर लूँगी। आप चाहे तो इसमें इस तरीके से 1 इंच का फोल्ड भी कर सकते हैं। मैं नीचे पीको करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे घेर में सिलाई लगा ली है और मैंने यहाँ पे पीको भी कर लिया है। हम फ्रॉक में बेल्ट लगाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बेल्ट कट कर लिए हैं। यहाँ से हमारा जो लेंथ है पूरा वो 21 इंच है और यहाँ से मैंने 4.5 इंच पे कट कर लिया है। तो हम पहले इसे सिलाई लगाएंगे। अब मैं इसे पलटी कर लूँगी। मैंने इसे पलटी कर लिया था और इसे मैंने प्रेस कर लिया है। इसी तरीके से मैंने अपने जो दूसरा वाला बेल्ट है उसे भी बना लिया है। अब हम इसे फ्रॉक में अटैच करेंगे। मैं इसे पीछे की तरफ यहाँ पे ऐसे पिन से अटैच कर लूँगी। इसी तरीके से मैं अपने दूसरे वाले बेल्ट को यहाँ पर पिन से अटैच कर लूँगी। अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ से 1 इंच पर एक मार्क कर लूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी
वन इंच पे मार्क कर लूँगी। हम कमर में भी वन इंच पे ही मार्किंग करेंगे। आप अपने हिसाब से फिटिंग की मार्किंग ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं कमर में यहाँ पे भी वन इंच की मार्किंग कर दूँगी। अब हम इसे यहाँ से सिलाई करेंगे। हम यहाँ तक इससे डेढ़ इंच नीचे तक अपने तीनों कपड़ों को साथ में ही सिलाई करेंगे। उसके बाद हम इसे अलग अलग सिलाई करेंगे। इसके बाद हम इन दोनों कपड़ों को ऐसे अंदर की तरफ डालते हुए पहले अस्तर की सिलाई कर लेंगे। अस्तर के बाद हम अपने सिल्क वाले कपड़े पे भी यहाँ से एक इंच की सिलाई लगा लेंगे पूरे में। उसके बाद हम नेट वाले कपड़े में भी सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ से नेट वाले कपड़े में सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पे जैसे वन साइड पूरे कपड़े को ज्वाइन किया है, इसी तरीके से हम ये साइड भी अपने पूरे कपड़े को ज्वाइन कर लेंगे। हमारे ये बेल्ट कुछ इस तरीके से आया है इसमें। इसी तरीके से हम अपने इस वाले साइड भी सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे दोनों तरफ फिटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने एक बो बनाया है। अगर आपको ये बो बनाना सीखना है तो मैं इसकी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मैंने गले पे यहाँ पे एक लेस लगा ली है। हमारा बेबी फ्रॉक बना के तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।